बारिश के मौसम में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चटपटी मसालेदार कम ऑयल में बनने वाली पत्ता गोभी की एक ऐसी रेसिपी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए ये पत्ता गोभी। अब हम इसका क्या करेंगे, इस तरह से ये इसका ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे धीरे से, बाकी एक साइड में रख देते हैं। और इसको क्या करेंगे हम इस तरह से ना, ये जो कटोरी रहती है कोई भी कटोरी नाप का ले लें, जितना बड़ा ये हमारा ये है, इस तरह से हिसाब से कटोरी से इस तरह से इस पे कट लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने कटोरी की मदद से ना इस तरह का निकाल लिया है। और इसी तरह से हम निकाल लेते हैं और भी पीस। अब ये देखिए इस तरह के मैंने 5 पीस बना लिए हैं इसके। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने रख दिया था, इसमें मैं ये पीस डाल देती हूँ। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और इसकी फ्लेम अभी मैंने फुल कर रखी है, क्योंकि ये फुल उस पर फ्लेम पे ही हमें 1 मिनट के लिए उबालना है बस। अब हमारी पत्ता गोभी के ये जो हमने रखे थे ना पीस, ये 1 मिनट हो गया, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने उसके जब पीस निकाले थे तो उसकी एक्स्ट्रा जो किनारे थे वो बच गए थे ना, तो अब हम क्या करेंगे ये सब लेके और इनको थोड़ा सा रफली कट कर लेती हूँ मैं इस तरह से, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा काट लेती हूँ। अब हम एक मिक्सी जार ले लेते हैं, इसमें जो हमने पत्ता गोभी अपनी कट करी थी ना ये डाल देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चमचे दही के। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, और 1 नींबू का रस। अब मैंने इसमें 2 चमचे लगभग 1 कटोरी 100 ग्राम के करीब मैंने दही डाला है। अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह का ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ, इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी सूजी। सूजी आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, मोटी या पतली, मतलब बारीक वाली। और अब हमने जो ये इस तरह का पत्ता गोभी का पेस्ट बनाया था इसको डाल लेती हूँ मैं इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, और तब तक हम एक इसके लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2 चम्मच ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई और 2 चम्मच सांभर मसाला। इसमें और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सांभर मसाला। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज। इसे पहले तेल में भूनने की ज़रूरत नहीं है, प्याज को हम इसी तरह से इसके साथ ही भून लेंगे। साथ में मैं डाल दूँगी इसमें गाजर, 1 गाजर है छोटी सी, वो मैंने कद्दूकस कर लिया। 1/2 शिमला मिर्च और थोड़े से स्वीट कॉर्न। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। अब इसे हम 2-3 मिनट ना अच्छे से भून लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करा करें, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नई नई रेसिपी देखने के लिए आपको हमेशा मैं नई नई रेसिपी लाती हूँ। अब ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है। अब ये देखिए हमारा बैटर रखे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरह से अभी गाढ़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता काट के, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डाल के
उसका ही बैटर तैयार कर लेते हैं जैसे हम इडली का करते हैं। अब ये देखिए हमारा बैटर इस तरह का हो गया। अब हम एक कटोरी ले लेते हैं इस तरह की ना, हम कटोरियां सब एक साइज की लेंगे तो सही रहेगा। और कटोरी पे हम इस तरह से ना ऑयल लगा देते हैं चारों तरफ। अब हम एक पत्ता इस तरह से कटोरी में लेंगे और इस पे हमने ये स्टफिंग बनाई थी ना ये रख लेते हैं आराम से। इसी तरह से हम सब कटोरी तैयार कर लेते हैं। अब हमारी कटोरी में ना इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसके ऊपर फिल कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह रहने देंगे पर आराम से जितना हमारा ये पत्ता है ना गोभी का ये पूरा कवर हो जाए इस तरह से। इसी तरह से हम चारों कटोरी अपनी तैयार कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया था और अब इसके ऊपर इस तरह की छलनी हमारे घर में होती है सबके पास, इसे रख देती हूँ। इसे आराम से थोड़ा सा गर्म रहता है ना नीचे से। और अब हम अपनी जो कटोरी में हमने तैयार करी ना ये रख देते हैं इसके अंदर और इसे एक प्लेट से रख देती हूँ। अब कम से कम 10 से 15 मिनट इनको हम स्टीम होने देते हैं। अब हमारे नाश्ते को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम देख लेते हैं कि स्टीम हुआ या नहीं हुआ। ये हटा के बस थोड़ा सा सावधानी से हटाएं क्योंकि गर्म है बहुत। और एक टूथपिक लेके ना हम इस तरह से डाल के देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रही है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमारी ये देखिए थोड़ा सा ठंडी हो गई है कटोरी। अब हम एक चाकू की मदद से ना इस तरह से साइड से इसका थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा लेते हैं कट, जिससे आसानी से निकल जाए। वैसे तो हमने ऑयल लगाया तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इसे इस तरह से कटोरी पे उस पर प्लेट, ये देखिए बैक साइड में कितना अच्छा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हमें दिख रहा है ना मसाला। अब हम इसको एक नाइफ की मदद से ना हल्के हाथ से इस तरह से कट लगाते हैं, हल्के हाथ से कर लेंगे। ऐसे पत्ता गोभी को हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये पूरी तरह से पक भी चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे हटा के। ये देखिए आपको दिख रहा है ना ये मसाला कितना अच्छा पूरा। अब हमारी रेसिपी बनके तैयार है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।